नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पांच ऐसी घटनाएं बताने जा रहा हूं, जिन्हें सुनकर आप कभी भी समुद्र के नजदीक नहीं जाना चाहोगे। जिन लोगों ने भी इन घटनाओं का सामना किया वो इसे अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रोडनी फॉक्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें समुद्र के सबसे खतरनाक जानवर का सामना करना पड़ेगा। समुद्र में तैरने के दौरान रोडनी फॉक्स पर एक बड़ी शार्क हमला कर देती है। शार्क का हमला इतना तेज होता है कि रोडनी हवा में काफी ऊंचा उछल जाता है। इसके बाद शार्क रोडनी को दांतों में जकड़कर समुद्र की गहराई में ले जाती है, लेकिन रोडनी अपनी पूरी ताकत से उस व्हाइट शार्क से लड़ता है, जिसके बाद वहाँ के लोग उसे बोट में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। आज भी रोडनी के शरीर पर शार्क के दांतों के निशान मौजूद है। ब्रेव मॉम। साल 2012 में 15 साल की एक लड़की को एक शार्क ने अचानक से पानी के अंदर खींच लिया, लेकिन किस्मत से उसके नजदीक उसकी माँ थी, जो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर शार्क से लड़ने के लिए पानी में कूद गई और काफी कोशिश करने के बाद अपनी बेटी को मौत के मुंह से बचाकर हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया। इस तरह से एक माँ ने अपनी जान दांव पर लगाकर अपनी बेटी की जान बचाई। दोस्तों, अगर आपको माँ और पैसों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डॉल्फिन्स। साल 2005 में लोगों की जान बचाने वाला एक ग्रुप न्यूजीलैंड के समुद्र किनारे तैर रहा था, तभी उनके पास डॉल्फिन्स का एक ग्रुप आकर उनके चारों ओर गोल गोल चक्कर काटने लग गया। जब उन्होंने डॉल्फिन्स के बनाए हुए सर्कल के बाहर देखा तो उन्हें वहाँ एक बड़ी शार्क मछली दिखाई दी, जो उन लोगों पर हमला करना चाहती थी, लेकिन डॉल्फिन्स की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही थी। डॉल्फिन्स ने भी उन लोगों का साथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक हर एक व्यक्ति किनारे तक नहीं पहुँच गया। बेथनी हैमिल्टन। बेथनी के ऊपर साल 2003 में सोल सर्फर नाम से एक मूवी भी बन चुकी है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। जब बेथनी सिर्फ 13 साल की थी तब वो हवाई की सबसे शानदार सर्फर थी, लेकिन एक दिन बेथनी पर एक शार्क हमला कर देती है और उसका पूरा का पूरा हाथ खा जाती है। घायल अवस्था में बेथनी को उसके फ्रेंड्स हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसे बचा लिया जाता है। इस घटना के बावजूद बेथनी ने सर्फिंग करना नहीं छोड़ा और अपने एक्सीडेंट के 2 महीने बाद उसने बेस्ट सर्फर का टाइटल वापस जीत लिया। मिक फेनिंग। मिक ऑस्ट्रेलिया के जाने माने सर्फर है, जो कंपटीशन के दौरान पानी की ऊंची ऊंची लहरों पर सर्फिंग कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक शार्क ने उस पर हमला कर दिया और वो पानी में डूबने लगा, लेकिन मिक ने हार नहीं मानी और शार्क के मुंह पर लगातार मुक्के मारने लगा, जिसकी वजह से वो शार्क के मुंह से बाहर निकल गया और तैरकर किनारे आ गया। दोस्तों, अगर आपके सामने कोई खतरनाक शार्क मछली आ जाए तो आप बचने के लिए क्या करोगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।